हेलो दोस्तों, पौधों की जानकारी की श्रृंखला में आज इस वीडियो में दिख रहे इस सुंदर से तथा बहुमूल्य औषधि गुण वाले इस पौधे के बारे में बताएंगे। यह पौधा आमतौर पर खुले स्थानों, सड़कों आदि के किनारे, पहाड़ी तथा झाड़ी वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। यह पौधा 50 से 120 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। इसकी पत्तियां जो शुरू में पतली लंबी होती हैं, 4 से 8 सेंटीमीटर तक की होती हैं, जो पुराने होने पर अंडाकार तथा आगे से दांतेदार होती रहती हैं। इसके फूल पीले 5 पंखुड़ियों वाले होते हैं। इस पौधे की टहनियों से खुरदुरी रस्सियां तथा बोरी आदि बनाने में उपयोग किया जाता है। यह पौधा उच्च गुणवत्ता वाला फाइबर होता है, जिसको जूट के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस पौधे के पत्तियों में पोषण तत्वों की पर्याप्त मात्रा होती है तथा इसकी पत्तियों में बहुत सारे औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। यह पौधा घाव, उच्च बुखार एवं दस्त के इलाज में उपयोग किया जाता है। इसकी जड़ को रेटल स्नेक और ब्लैक विडो स्पाइडर के वेनम यानी जहर के खिलाफ एक एंटीक्रोटालिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी पत्तियों को कुचलकर सूजन वाली जगह पर लगाने से सूजन ठीक हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी इसके पत्तों का सेवन दस्त के इलाज में उपयोग करते हैं। इसकी जड़ का सेवन गठिया जैसे रोगों को इलाज में प्रयोग किया जाता है, जैसे पीठ का दर्द, पुराने जोड़ों का दर्द, चिकनगुनिया का दर्द आदि में इसके जड़ का उपयोग किया जाता है। मेक्सिको देश में इसकी पत्तियों को तंबाकू की तरह स्मोक किया जाता है। भारत में भी इसकी पत्तियों का चाय बनाकर पिया जाता है। इस पौधे का वनस्पतिक नाम सिटारुम विपोलिया है। अंग्रेजी में इसे एरो लीफ सिड्डा, जेली लीफ अरोम्बस, लिप सीडा आदि कई नामों से ये पौधा जाना जाता है। आयुर्वेद में इस पौधे को कुरुम्ब टोटकी कहते हैं। यदि यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।